दिया गया, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसी दिन बांध लीजिएगा कि हमको इस बार होने वाला बहुत दिक्कत की बात है यहाँ पर, क्योंकि पर डे वो सीढ़ी है, पहले एक सीढ़ी की तरह आपको लगता है ना कि एक फ्लोर चढ़ने के बाद दूसरे फ्लोर अच्छे से चढ़ेंगे, दूसरा फ्लोर पे थक जाएंगे और थकते जाएंगे आप, इसलिए आराम से बेहतरीन ढंग से जितना बताया जाए उतना करके रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ ही आएगा, ज़्यादा इधर उधर नौटंकी नहीं करना होगा आपको। जो एग्ज़ाम में जो पढ़ाया जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ाई से बाहर हो जाए, चाहे रवि सर साइंस पढ़ाएं, प्रियांशु सर इंग्लिश पढ़ाएं, प्रशांत सर मैथ पढ़ाएं। जीएस में क्या है कि तीन चार टीचर रहेंगे, हमारा अपना सेक्शन है, अमित सर हैं, बहुत सारे टीचर होंगे जीएस के, पार्ट बाई पार्ट रहता है क्या जी, आपको पता है जीएस अपने आप में एक ठो वर्ष मतलब कई सारे उसके विंग हो जाएंगे, हिस्ट्री अलग हो जाएगा, ज्योग्राफी अलग हो गया, पॉलिटी अलग हो गया, करेंट अफेयर्स क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे यहाँ पे। तो एनडीए का एग्ज़ाम निकालना एक कला है, कई गलती करते हैं। देखिए एक टीचर और एक स्टूडेंट में अंतर होता है, हम लोग टीचर में एक चीज़ क्या है ना कि सर का अपना साइंस है, फोकस करेंगे किस पे, साइंस पे, प्रियांशु सर का इंग्लिश है, ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करेंगे, प्रशांत सर का मैथ्स, बट सर का शुरू से मैथ अच्छा होगा इसलिए मैथ पढ़ा है, हमारा हमारा जीएस अच्छा होगा इसलिए हम जीएस पढ़ा, लेकिन आप में वर्सेटाइल है, हो सकता है कि आपका मैथ अच्छा हो तो इंग्लिश खराब हो, जीएस अच्छी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो फेल होने वाले लड़कों की एक बात बता देते हैं, उनका जो चीज़ कमज़ोर होता है उस पर समय देना छोड़ देते हैं, और याद रखिएगा आप कितने मजबूत हैं पढ़ने में, किस सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, इस पर कभी रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट तब होता है जब आप अपने कमज़ोर सब्जेक्ट को स्ट्रांग किए हैं कि नहीं किए हैं। जैसे जिसका जीएस स्ट्रांग है जीएस से पढ़ेगा, ये टीचर बनने के लिए किया जाता है, आप क्या हैं स्टूडेंट, टीचर स्पेशलिस्ट होता है, स्टूडेंट जर्नलिस्ट होता है, आपको सब आना चाहिए। अगर आप में से ऐसे लड़के हाथ उठाए जिनको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम कमज़ोर की बात नहीं कर रहे हैं, मन ही नहीं लगता है मैथ पढ़ने में, ईमानदारी से हाथ उठाओ जी, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है, जितने लोग हाथ उठाए ना शुरू से आपका मन नहीं लगता हो, और आप क्या कहेंगे पता है कि मैथ मेरा कमज़ोर है, नहीं, आपने समय कम दिया, जिस चीज़ को ज़्यादा समय देंगे वो आपका होगा, समझ आएगा कि नहीं। अब कौन रिश्तेदार को आप दो साल पे एक बार प्रणाम कीजिए, चाचा प्रणाम, और उसके बाद कहिएगा कि मुसीबत में वो चाचा काम आए आपके, आएगा तो जो सब। इंग्लिश कितने लोग का कमज़ोर है, इंग्लिश से डर लगता है आप, चलिए इंग्लिश का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे सर जैसा जैसा पढ़ाएंगे उस हिसाब से आप लोग को करते रहना, समझ आ गया कि नहीं आ गया। बाकी आपको सर आगे एक एक करके सिलेबस को देखना है, मोटिवेशन एक लंबे समय तक काम नहीं आता है, एग्जाम में काम आएगा आपका नॉलेज एंड प्रैक्टिस, घर पे देख लेंगे। जितने लड़कों का मैथ कमज़ोर है याद रखिएगा एक पूरा पेपर है आपका मैथ का, क्या लगता है आपको, आप क्वेश्चन जो होता है ना एग्ज़ाम में जो सेट किया जाता है वो जॉब से रिलेटेड होता है। अगर कोई लड़के का जीएस बहुत अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, साइंस अच्छा है, मैथ खराब है, उसको इंडिया में नहीं लेगा, क्योंकि अगर फेल होगा नहीं लेगा, रीज़न क्या, उसको पता है कि लड़का को अगर हम फौज में भेज देंगे ना राइफल अच्छा चला लेगा, पिस्तौल अच्छा चला लेगा, बम अच्छा चला लेगा, चाकू भाजिए नहीं पाएगा, अरे ज़रूरत पड़ेगी तुरंत चाकू को भाजना पड़ेगा वहाँ पे। तो फौज में क्या चाहिए, जो मिले सब में आना चाहिए वहाँ पे, इसलिए उसका सिलेबस भी देखिएगा इस तरह से डिजाइन किया है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक इंटर पास लड़का से उसके सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ा है। समय ज़्यादा देना है आपको मैथ इंग्लिश साइंस जीएस, समझ आ गया कि नहीं, मैथ इंग्लिश साइंस जीएस। देखिए मैथ में क्या होता है ना कि अगर आप घर पे मैथ नहीं पढ़े ना तो पूरा खाली हो जाएगा, और वो लिंकअप होता है एक दूसरे से, ठीक है। बाकी सर मैथ के तो पूरा डिटेल से बताएंगे, अब आप रवि सर आप साइंस के बारे में बता दीजिए इनको, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, उसके बाद जैसे जैसे क्लास चलेगा सब देखते चलेंगे। थैंक यू सर। जैन बच्चों कैसे हैं सभी, देखो आप लोग एक उम्मीद लेके यहाँ पे आए हो, कुछ ऐसे आस्पेंट्स होंगे जो हमसे लास्ट ईयर ऑनलाइन पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी मुझे चेहरे देख रहे हैं जो पिछली बार ऑफलाइन पढ़े थे, तो अगर आप लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद है, एक भरोसा है, इसलिए आए हो नो डाउट। लेकिन देखो उम्मीद है आपको, लेकिन ये उम्मीद के साथ आपको मेहनत भी तो करनी है, आप मेहनत, अब देखो ये मैं भी बोलूँगा, सब भी बोलेंगे, हम सब एक ही बात बोलेंगे कि मेहनत करनी है, लेकिन करना तो एटलीस्ट आपको ही है। आप सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप लगातार 6-7 महीने का जो आपको पीरियड मिलता है, 7 महीने 8 महीने जो एग्जाम का ड्यूरेशन मिल रहा है, आप लगातार यार मेहनत नहीं कर पाते कंटिन्यूअस। मैं देखता हूँ सर कि लोग लगातार मेहनत नहीं कर पाते, अभी जोश आएगा ना 15 दिन बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम बैच ले लिया है, अब मटेरियल मिल गया है और खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। ऑफलाइन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जैसे ही इन्हें समझना मैथ्स में कमजोरी आती है या साइंस में दिक्कत आएगी, ये क्लास को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। सब मैं
आपको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले ही बैच का। आप लोग बीच में से ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हो, भागना स्टार्ट कर देते हो। अभी कमियां क्या होती है, मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आनी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। और जबकि ईमानदारी में सच्चाई तो ये कि आपका 11th तो खराब खत्म है ही, लेकिन 12th इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा है क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम की वजह से करके आए थे थोड़ा बहुत, और आप ये उम्मीद करते हो कि मुझे एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता ना, एक दिन में सब कुछ समझ में आ जाता तो हमें आपको हमारी क्यों ज़रूरत पड़ती और आप इतने लंबे बैच के लिए क्यों आते। तो सबसे पहली बात है स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में पढ़ाई करनी है। एक ही शब्द में मैंने आपसे बोल दिया, कंटिन्यूस फॉर्म में पढ़ाई करनी है, लगातार डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है, ये है। बाकी का साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सेक्शन मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, बायोलॉजी का सेक्शन अमृता मैम आपको कराएंगी, राइट। मैं आपको ऑफलाइन पूरा का पूरा मोड में कराऊंगा, मैम भी आपको यहाँ पे आगे कराएंगी, कुछ सेशन हो सकता है कि ऑनलाइन में भी कराएं। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बेहतरीन जीएस के साथ फैकल्टी है हमारे पास नेक्स्ट लेवल, तो पॉलिटी का आप आई थिंक ज्योग्राफी का क्लास भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा 23-24 से, ठीक है। अच्छी फैकल्टी है नो डाउट, कहीं ना कहीं लास्ट ईयर थोड़ा सा जीएस में आपको प्रॉब्लम रही थी, वो इस बार सॉल्व हो गई है। रखना बेहतरीन लेवल पर आपको मैं कंटेंट दूंगा, नो डाउट बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, आपको आइडिया देंगे कि यूपीएससी को किस तरीके से हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सर से डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जो पुराने हमारे खिलाड़ी हैं, तो देखो तरीका सब कुछ सेम रहना है, चीज़ें वही चलेंगी। जो आप ऐसा नहीं है कि आप बिना रिसर्च वेल रिसर्च करके आप पहुंचे हैं, सारी चीज़ें आपको पता है क्या तरीका रहना। आपको कहीं ना कहीं इस बार अंग्रेजी का झटका महसूस हुआ होगा, पूरा देश इस बात को कबूल कर रहा है, लड़के तो लड़के टीचर के तोते उड़े पड़े हैं, ये आपने सॉल्यूशन कराने के टाइम पर देख लिया। जिस तरीके से यूपीएससी का डिसीजन आ रहा है, आप देखो कि लगातार जो मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, जितने बोर्ड हैं एसएससी बोर्ड ने चेंज कर दिया, अपना पूरा पैटर्न बदल दिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो नए इंट्रोड्यूस करे गए, अब सोचो कि जो क्वेश्चन आते थे वो नहीं पूछा और जो नहीं आते वो पूछ दिया। आप एक बात बताओ कि क्या यूपीएससी के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि जब होमोनिम से क्वेश्चन पूछे गए थे एनडीए के अंदर? लेकिन मैं तुम लोग को चेताया था, जब अबैस और अबेस जैसे शब्द को कराया था तभी चेता दिया था कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, पैटर्न चेंज हो रहा है, इसके अपनाते चले जाओ। और सबसे बड़ी बात यही होती है एक स्टूडेंट में और एक टीचर में, क्योंकि हम क्या होते हैं कि हम लगातार अपने सब्जेक्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक हम देखते रहते हैं, उसके एनालिसिस वगैरह या कोई भी चीज़ है कि क्या इसमें बदलाव हो सकता है, क्या चीज़ें बदली जा सकती है, तो हमें वो पता चलता है, हम आपको तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं कि लग जाओ इसमें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, और नए जब आए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जब घर से निकले होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि आपके माँ के चेहरे पर, आपके अपने पापा के चेहरे पर और उनकी आंखों में आंसू देख के तुम आए हो। जब तुम घर से निकलते हो तो माँ बाप के अंदर एक उम्मीद पलती है, उम्मीद पलती है कि मेरा बेटा जा रहा है और यहाँ पर आया है, उनको उम्मीद है तुम्हारे पर, उनको उम्मीद है हमारे खान सर पे कि वहाँ पर जा रहा है, जाके बढ़िया से मेहनत करेगा और जाके मेहनत होकर कामयाब होकर लौटेगा। ऐसी उम्मीद उन्होंने अपने अंदर पाल रखी है। आज तुम उनसे कहोगे कि मुझे 1000 रुपये 500 रुपये चाहिए, वो कहीं से कर्जा लेके तुम्हें देंगे, मजदूरी करके देंगे, लेकिन तुम्हें देंगे इसलिए कि तुमको दिक्कत ना हो रहा हो। अपने आप को भूखे रखेंगे कि कम से कम तुम भरपेट खाना खा लो, कि तुम्हारा तबीयत ना खराब हो और तुम ईमानदारी से यहाँ लगे रहो। लेकिन बच्चा क्या करता है, यहाँ आने के बाद थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं और कुछ दिन के बाद उसके अंदर से ये डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सस्टेन करके रखना है। आप ये समझ लो कि कॉम्पिटिशन का लेवल जिस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है, अगर कल पे टालोगे तो समझ लो कि तुमसे एक से बढ़ के एक धुरंधर आने वाला है। अभी तुम जिस टाइम पर हो, क्या पुराने वाले बच्चे के टाइम पर तुम थे नहीं, बहुत सारे नए बच्चे हैं, तो क्या तुम्हारे आने वाले टाइम पर नए बच्चे नहीं जुड़ेंगे? कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, हर साल नए नए एस्पिरेंट्स निकल के आ रहे हैं, जो फील्ड के मास्टर्स निकल रहे हैं कि हर फील्ड में उनको, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे हाथ ऐसे उठाए कि जिन्होंने कुछ ने कहा कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, किसी ने कहा इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ कमज़ोर नहीं है, उनको मैथ्स भी बढ़िया आता है, इंग्लिश भी बढ़िया आता है, जीएस भी बढ़िया आता है, साइंस भी बढ़िया आता है, और उनसे कंपटीशन लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है 401 बच्चा में एक लड़का सेलेक्ट होता है एसएसबी के अंदर? रिटेन सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रिटेन सिलेक्शन जो रिटेन एग्जाम है तो लाखों में होता है, लेकिन वो सारे रिटेन जो सेलेक्ट हो चुके हैं, वो सेलेक्ट कैंडिडेट में से 410 में से 401 में से मात्र एक बच्चा सेलेक्ट होता है। और ये ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, नौकरी की कमी है, क्योंकि अगर मान लो कि अगर सरकार जैसे जो चीज़ें जो चल रही है कि जो वैकेंसी आ रहा है, भाई वैकेंसी तो हमेशा से 410 रहा है एनडीए का,
लेकिन कंपटीशन का लेवल इस प्रकार से बढ़ गया कि यूपीएससी की मजबूरी बन गई है कंपटीशन को बढ़ाना। ऐसे ऐसे लड़के हैं कि जिन्होंने इस बार भी 48 क्वेश्चन सही करके आए, 50 में से 45 क्वेश्चन सही करके आए। तो आप आ तो गए हो, मैदान में उतर तो गए हो, लेकिन लड़ाई भी वैसे ही रखना। आपको पता चल जाए कि आपकी जो दुनिया है वो मात्र 3 साल तक के लिए, आपकी दुनिया है एनडीए, और ये समझ लो कि तुम्हारी आने वाले 3 साल तक ही तुम्हारी दुनिया है ये। अगर इसमें तुम जीत लिए तो सर का कहना होता है ना कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगा। जिस जगह पर आओगे उस जगह पर तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल नियम कानून बन जाएंगे, सबसे गांव में अपने समाज में सबसे सर तुम्हारा ऊंचा होगा। अंग्रेजी की खास बात यह है कि एनडीए के जो है रिटर्न के साथ भी और रिटर्न के बाद भी काम आती है, क्योंकि आप एसएसबी जो देने जाओगे वो कंप्लीट जो एसएसबी होता है वो इंग्लिश में ही होता है। मैं आपको क्लास के दौरान ही कुछ एसएसबी के अंदर जैसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है कि जो वर्ड्स को अरेंज करना, वो भी कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आपको बस ये करना है कि जैसे हम आपको लेके चलना चाह रहे हैं लेके, बस वैसे चलते चलो। तकलीफ हो अपने आप को ये समझना कि तकलीफ हो रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा मैं बन रहा हूँ। क्योंकि जब तक पत्थर पे चोट नहीं लगेगी, पत्थर के अंदर से कोई मूर्त, तो यही चीज़ आपके अंदर रखना है। बाकी जो मैथमेटिशियंस जो है या मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन है बड़ा ईजी, है बड़ा रोचक, है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये चीज़ आपको पता होगा। बाकी सर आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके जादू हैं। मैं इनको जादूगर ही कहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ों बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे आसानी से बता देना बहुत बड़ी बात होती है। तो सर आपको बताएंगे मैथमेटिक्स कैसे चलने वाला है। जय हिंद बच्चों। मैं सब लोग सर लोग की बातें मैंने सुनी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये सुनकर तो इमोशनल हो गए होगे, पर किसी भी चीज़ को सुनने से कुछ नहीं होता जब तक उसे अपने जीवन में आप लाओगे नहीं ना अमल में, तब तक वो बेकार। सुनने में तो हमें सारी बातें अच्छी लगती हैं, पर क्या उसे हम लाइफ में जब तक करेंगे नहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। तो आपने जितनी भी बातें सुनी हैं, ठीक है, वो लगभग वही बातें मैं अभी भी आपको बताऊँगा। तो जितनी बातें आप सुनते हो एक दो दिन के लिए इमोशनल तो हो जाते हो, फिर कल से उसी ढर्रे पर आ जाते हो। ठीक है, मेरा ही एक साथ में था, वो रात में रोया करता था कि मेरे मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से मुझे भेजा है और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ। रात में मेरे सामने रोया और सुबह चला गया फिर से घूमने। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी चिंता का कोई मतलब नहीं होता जब तक उसे अमल में ना लेकर आए। ऐसी चिंता का कोई मतलब नहीं है जब तक उसे हम काम ना करें। तो जो भी आप सीखते हो ना उसे अमल करिए, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और रही बात मैथ्स की, तो दिक्कत तो सब में होती है। आपको पेपर एनडीए का देना है तो आपको पता होना चाहिए किस तरह का पेपर आता है। हमें मैथ्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, मैथ्स इतनी बड़ी है कि मैंने भी अभी तक नहीं पूरी पढ़ी है, और कोई पढ़ भी नहीं सकता चाहे उसकी उम्र 80 साल क्यों ना हो जाए, इतनी बड़ी है मैथ्स। हमें वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ना तो हमें जेई एडवांस लेवल जाना है और ना ही हमें एयरफोर्स लेवल तक रुकना है। इस बार पेपर थोड़ा सही आया था, ठीक है, लेकिन 2016 का भी पेपर आया हुआ है। आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा 2016 के पेपर में आपको मेरी 250 के आसपास है, जो आजकल 350 के आसपास जाती है। आप सोचिए 2016 पेपर, क्या गारंटी है कि रिपीट नहीं होगा? है कोई गारंटी? नहीं है। किसी भी, आजकल तो आप देखो पूरे ना किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम में कोई गारंटी रही नहीं किस तरह के पेपर आ जा रहे हैं। मैंने अभी जल्दी वीडियो देखी थी, बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे कुछ कि अजीब अजीब पेपर आ गया। तो ऐसे ही हो रहा है हर एग्ज़ाम में, ठीक है, आपसे सोच से ऊपर चले जा रहे हैं, पेपर दे दे रहे हैं लोग। तो ये मैथमेटिक्स के साथ तो चाहे इंग्लिश के साथ किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपको उस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और बीच बीच में क्या होता है मैथमेटिक्स में, आप डरते बहुत जल्दी हो, डर गया बीच में, हम मेहनत नहीं करेंगे एक ही बार में। मतलब ऐसा होता कि एक ही बार में हर चीज़ समझ जाते तो प्रैक्टिस की ज़रूरत क्या रहती? क्लास में पढ़ लिया और ख़त्म हो जाता काम, घर पर प्रैक्टिस वर्ड ही ख़त्म हो जाता। तो घर पर आपको मेहनत करनी है तभी मैथ्स आने वाली है। ये नहीं, अच्छा मैं जो बोलता हूँ कई बार वो आप करते नहीं हो, जैसे फार्मूला आपने याद नहीं किया। फार्मूला तो बस एक समझ लीजिए आपके 20% योगदान देगा मैथ्स में, बाकी तो आपको और कॉन्सेप्ट उस पर आना चाहिए। लेकिन फार्मूला ही नहीं पढ़ोगे तो पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। और ये एक्चुअली में एकेडमिक सिलेबस है। आप जो मैथ्स देखोगे वो 11, 12 पूरा का एक सिलेबस है जिसमें 27 से 28 चैप्टर हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ चैप्टर आप छोड़ सकते हो वो चलेगा,
लेकिन आपको पूरे अधिकतर चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे तभी जा जाके एग्जाम में अच्छा स्कोर पर, क्योंकि हमें ये मान के चलना है कि 2016 जैसा पेपर भी आ सकता है, 2021 सेकंड में पेपर बहुत खतरनाक आया था, इस बार फिर भी ठीक आया है। लेकिन जो चीज़ आसान आती है वो सबके लिए आती है, जो चीज़ आसान आ गई, मान लो पेपर बहुत आसान बन गया तो सबके लिए बन गया ना, तो फिर मेरिट उसके अनुसार ही जाएगी। और कठिन आएगा, जैसे 2016 में कठिन आया था ना बहुत पेपर, आपको 250 तक मेरिट नहीं गई है, ये हालत हो गई है, जो आजकल 350, 340, 360 के आसपास जाती है। इसका मतलब है उस जो पेपर कठिन आया था उसे कोई भी ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। मैथ में 50-50 नंबर में सिलेक्शन हो गए 300 में, अंदाजा लगाइए आप। तो ये है कि बस जितना कहा जाएगा उतना आपको करना है और मेहनत करना है। ऐसा होता तो मैं आके 10 मिनट ही नहीं केवल पढ़ाता, यदि केवल इतने पढ़ने से ही काम हो जाता तो मैं क्यों 1 घंटे आकर बोलता, मैं 10 मिनट क्लास लेता और चला जाता, हो गया भाई मैथ्स। क्यों मैं 1.5-1.5 घंटे 2-2 घंटे क्लास लेता हूँ, क्यों मैंने 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास रखवाता हूँ, इसीलिए रखवाता हूँ कि आपको समय मैं आप पर ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगा, और वही आपको करना है। और निरंतर मेहनत करती, ये नहीं कि बस रखना कि जब तक तेरे जेब में पैसा है तब तक पूछेगी मेरा बाबू कैसा है, कोई नहीं पूछने वाला। और इस चीज के लिए तुम्हें काम करना है, इसमें इससे बड़ी बात क्या होगी, देश के लिए कुछ करने वाले हो, देश के लिए कुछ अच्छा करने वाले, इससे बेहतरीन कुछ होगा? मौका सभी को नहीं मिलता, सभी को नहीं मिल, सच्चाई है ये। हम लोग भी बहुत कोशिश किए, मेरा तो बैकग्राउंड रहा है डिफेंस में, तो बहुत बार मैंने कोशिश किया हमेशा से कि चला जाओ, लेकिन रिटेन के सामने आया, रिटेन के बाद आया एसएसबी, पहले दिन भगा दिया मुझे, अलावा सेंटर डाला, अलावा सेंटर दिया, गया पहले दिन बोला कि ना जाओ, बाद में और तैयार होके आओ। अगली बार ये पता चल गया कि रिटेन में नहीं, कम्युनिकेशन में काम करना है, स्टोरी राइटिंग में काम करना है, क्योंकि आपको इसमें से एक भी बच्चा बता दे जिसको स्टोरी राइटिंग आती हो, सिंगल, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती। स्टोरी राइटिंग भगा दिया, फिर पता चला कि हाँ गलती कहाँ हुई है, एसएसबी क्लियर। अगली बार एसएसबी के बाद मेडिकल कराने गया, मेडिकल कराने में मेडिकल आउट हुआ। अब वहां से जब आउट हुआ तो फिर ये समझ लो कि उसको सुधारा कैसे जाए। भाई तुम्हें अगर रिटर्न नहीं निकल रहा है, रिटर्न से आउट कर, रिटर्न को सुधारा जा सकता है? एसएसबी से आउट किया, एसएसबी को सुधारा जा सकता है? मेडिकल आउट किया, कहाँ सुधारोगे, सुधार सकते हो? तो भाई हमारे अंदर कितनी भी काबिलियत हो, कितना भी टैलेंट हो, लेकिन हमें सर्वगुण संपन्न चाहिए। ये समझ लो कि अगर वो लोग बनाते हैं यहाँ शादी के लिए तो 36 गुण, कितना सर, 36 गुण होता है ना, 36 गुण सर को पता होगा, तो 36 गुण मिलाया जाता, इसमें समझ लो 72 गुण मिलाते हैं। इसके लिए रिटेन में अलग, एसएसबी में अलग, मेडिकल में अलग, 206 की 206 हड्डियां चेक करी जाती हैं, 4 लेयर टेस्टिंग होता है इसका, हर एक चीज का, ईयर ड्रम तक कान में जब चेक होगा ना तो ईयर ड्रम चेक करते हैं, टफ लेवल का मेडिकल होता है। तो आप इतने योग्य है, आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, चीजें ऐसी नहीं है, आप क्यों डर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि मेन चीज यही है कि आप अगर ठान लिए, ओके, हारने में और जीतने में बड़ा कॉमन अंतर होता है, हारना होता है मानना और जीतना होता है ठानना। तो कहते हैं कि मान लिया, हारना क्या है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत।